अभी मेरी इस रोड से मात्र 10 किलोमीटर राइट साइड में पाकिस्तान है। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये टैंक पाकिस्तान का है। तो गाइस इधर एक बार करने का तो मन करता है, जय हिंद। तो ये शॉप थी जहाँ से मैंने अभी मॉन्स्टर पी है, थोड़ी एनर्जी चाहिए भाई अब। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ लोंगे वाला, आगे बॉर्डर पे जाने की परमिशन मेरे को नहीं मिली यहाँ से, तो लोंगे वाले से ट्राई करते हैं, शायद वहाँ से मिल जाए। तो सामने है तनोट राय माता मंदिर, और ये जो रास्ता है ये जाएगा सीधा इधर रेस्टोरेंट, अगर आप कुछ खाना वाना चाहते हैं तो यहाँ से खा सकते हैं। ये जो रोड है ये बहुत ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम लगना है नीचे है। लोंगे वाला है यहाँ से 39 किलोमीटर, ओके नॉट बैड, और सम है 150 किलोमीटर। तो मैं सम से आया हूँ, अब जाएंगे भैया लोंगे वाला और उसके बाद मैं जाऊंगा जैसलमेर, क्योंकि कल सब में रुक लिया था तो सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा फायदे वाली बात है नहीं। बाकी दोनों साइड में आप देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत ड्यून्स हैं और रेगिस्तान है। तो लोंगे वाला वो जगह है जहाँ पे 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जो बॉर्डर मूवी में दिखाया गया है, वो जगह है लोंगे वाला। और जो तनोट माता का मंदिर है, यहाँ 1965 में जो लड़ाई हुई थी उसके जो अवशेष हैं वो बचे हुए हैं। सॉरी भैया सामान है मेरे पीछे। तो वैसे जिस जगह पे मैं अभी जा रहा हूँ, या अभी मेरी इस रोड से मात्र 10 किलोमीटर राइट साइड में पाकिस्तान है, तब सोचिए मैं कितना नज़दीक से जा रहा हूँ पाकिस्तान के, ऑलमोस्ट बॉर्डर पे ही मान लो यार। बाकी तो लोंगे वाला जाएंगे, वहाँ से तो और भी ज़्यादा नज़दीक है, और शायद मेरे को वहाँ से परमिशन मिल भी जाए। अगर परमिशन मिल गई तो भैया बल्ले बल्ले है अपनी। अभी मैं जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है उसके बिल्कुल पैरेलल जा रहा हूँ। मैंने अभी गूगल मैप पे चेक किया था, मेरे राइट साइड में 10 किलोमीटर आगे पाकिस्तान है, और बिल्कुल मैं पाकिस्तान के पैरेलल चल रहा हूँ। तो भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ लोंगे वाला, और ये मेरे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप देख रहे होंगे ये है लोंगे वाला चेक पोस्ट। तो भैया पता ही नहीं चला कब आ गया लोंगे वाला, सच में यार। ये म्यूज़ियम यशोगान करता है हमारे उन वीर जवानों की, जिन्होंने अपनी शहादत देके, अपनी जाबाजी से, अपने हौसले से पाकिस्तान की सेना के पैर उखाड़ दिए थे, उनके टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे और बुरी तरह रौंद दिया था 1971 में। तो उसी
जो युद्ध हुआ था उसमें से जो पाकिस्तानी सेना के जो टैंक और जो उनके जीप में जो बम डालते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे संग्रहित की हुई है। तो अभी मैं आया हूँ लोंगेवाला और ये है वॉर मेमोरियल 1971 की लड़ाई का, तो इसको करेंगे हम लोग एक्सप्लोर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ से है म्यूज़ियम का मेन गेट और जैसे ही हम अंदर घुसेंगे इस साइड में खड़ा है पाकिस्तान का टैंक। तो भैया जो हमसे टकराएगा वो टैंक छोड़ के जाएगा। तो ये है पाकिस्तान का टैंक, तो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो जो पाकिस्तानी सेना थी उनके पास उस टाइम पे 34 टैंक्स थे, जिनमें से कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ उड़ा दिए गए थे और कुछ हैं जो यहाँ पे अब लोगों को दिखाया जाता है। हमारी जीत की निशानी, हमारी बहादुरी, हमारा जो बलिदान उस टाइम लगा उसकी वीर गाथा वो गाते हैं। तो यहाँ पे ऑडियो विजुअल थिएटर है लेकिन अभी कोविड की वजह से वो बंद है तो उधर नहीं जा सकते। तो अभी म्यूजियम में दो ही टैंक रखे हैं, दूसरा ये है, तीसरा उधर है जो बिल्कुल खंडर पड़ा है, टूटा हुआ है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ वीडियो में आगे। कि जो बैटल थी वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 71 में जो बैटल हुई थी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। क्या बात है, अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। क्या बात है, नो फादर नो मदर टू सी देम डाई, नो ब्रदर नो सिस्टर टू बिड देम गुड बाय, नो फ्रेंड नो स्वीट हार्ट टू होल्ड देयर हैंड, बट ओनली होप होप दे मीट इन ए हैप्पियर लैंड। बहुत खूब। तो मेरे पीछे जो आप बंकर देख रहे हैं ये बंकर बॉर्डर मूवी में दिखाया गया है और ये बंकर उस टाइम की लड़ाई में बनाया गया था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और अभी तक इसका संग्रहण सुरक्षित है। अपने आप में ये एक बंकर बहुत कहानियां सुनाता है। ये सिर्फ आप यहाँ पे आके इसमें खड़े होके इसमें रुक के फील कर सकते हो। तो अभी मैं आपको वर्चुअल टूर पे लेके चलता हूँ इस बंकर की। तो यहाँ से होती है इसकी एंट्री और आप एक बार सोच के देखो गाइस, इस एक 6x6 के रूम में हमारे जवान सिपाही पूरे पूरे दिन खड़े रहते हैं, ड्यूटी देते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। इधर है इस जीप की कुछ टेक्निकल बातें। तो गाइस इधर एक बार करने का तो मन करता है, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। तो गाइस मेरे सामने आप देख रहे हैं ये टैंक पाकिस्तान का है और ...1971 से ये यहीं पे पड़ा है। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बाकी लोग भी इतने अच्छे अच्छे वीडियोस देख पाएँ। साइनिंग ऑफ, कीप ट्रैवलिंग।